मेरी गुफ्तगू में बेटा थोड़ा दिमाग के प्रोसेसर को तेज चलाना पड़ता है, वरना बात आगे निकल जाती है और दिमाग बफरिंग पे लग जाता है। तो थोड़ा मेरे साथ साथ स्पीड से आप सफर करेंगे तो गुफ्तगू आसान रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उगाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सोगवरान इमाम, अब आपके सामने खतीबुल असर किबला अल्लामा इमरान अब्बास मज़ारी साहब, 21 रमज़ान की योम अली अलैहिस्सलाम की मरकज़ी मजलिस से खताब फरमाएंगे और इख्तिताम मजलिस पर मरकज़ी ज़ियारत मौला अली अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे। नाराए तकबीर। ऐसे नहीं सामईन हज़रात, खालिक का नाम बहुत बुलंद है, किबला साहब को पता चले मजमा बेदार है, नारों का बुलंद आवाज़ से जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हुसैनियत, यजीदियत, खुशनूदी अमीर कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम बावाज़े बुलंद सलावात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله الذي جعل محبتا لمحمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكائن فخلق الخلق فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفة صلوات بر محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلوات بر محمد وعلى محمد ترات دی وقار محبان آل اطہار शियान हैदर करार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान मकदाए विलायत परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में दावेदारान दिलदारी परवरदिगार को रमज़ मोहब्बत समझा रहा है। मुतवज्जे हैं, बस कोशिश करें कि इब्तदाही में कनेक्ट हो जाएं ताकि अगली गुफ्तगू आसान हो जाए। चेहरों से बेटा हैरत हटा के चेहरों पे नूरे मवद्दत फैलाएं, कम से कम इस मजलिस में बैठे तो शिया चेहरा बना के बैठे। मेरे एक एक लफ्ज़ पे मुझे तवज्जो दरकार है, आप जानते हैं कि इधर उधर की बातें मुझे नहीं आती। हवाई गुफ्तगू कभी मैंने मिंबर पर नहीं की, ज़मीन व आसमान के कुल्लाबे में नहीं मिलाता, अली की हवेली के साथ कभी मैंने खींचातानी नहीं की और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। मैं चेहरे देख रहा हूँ, आप जी भी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने रोज़ादार चेहरे हैं और मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे रोज़े का ख्याल रखें, मैं आपके रोज़े का ख्याल रखता हूँ, तो इनका जिक्र भी होता रहे। मखदूम कौन आपको सलामत रखे।
अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। परवरदिगार आलम, अब मुतवज्जे हूँ मैं, गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में दावेदाराने दिलदारी परवरदिगार को सलीकाए मोहब्बत समझा रहा है। मुझे हमेशा आप पे मान होता है, जिस मायार के सामईन हैं आप आले मोहम्मद, आपको सलामत रखें कि यहाँ इल्मी गुफ्तगू से शगफ रखने वाले सामईन तशरीफ़ फरमा होते हैं और इल्म दोस्त लोग तशरीफ़ फरमा होते हैं, दूर दूर से आप चल के आए हैं। मैं आपका एक लम्हा भी ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ जब आप यहाँ से उठें तो मारिफत के कुछ मोती समेट के उठें। परवरदिगारे आलम अपनी किताब अतियबुल बयान में दावेदाराने दिलदारी परवरदिगार को सलीकाए मोहब्बत समझा रहा है, रमज़े उल्फत समझा रहा है, आदाब इश्क समझा रहा है, तरीक़ाए दिलदारी समझा रहा है। उन दावेदाराने दिलदारी परवरदिगार को जो अल्लाह का तआरुफ करवाने वालों की गली से नज़रें चुरा कर अल्लाह का मोहल्ला ढूंढ रहे हैं। मखदूम है कौन है ना, आपको सलामत रखे जी। मेरी गुफ्तगू में जी बिस्मिल्लाह उधर मेरी गुफ्तगू में बेटा थोड़ा दिमाग के प्रोसेसर को तेज़ चलाना पड़ता है, वरना बात आगे निकल जाती है और दिमाग बफरिंग पे लग जाता है। तो थोड़ा मेरे साथ साथ स्पीड से आप सफ़र करेंगे तो गुफ्तगू आसान रहेगी। खुदा रमज़े मोहब्बत, सलीका उल्फत, तरीका इश्क, आदाब दिलदारी समझा रहा है उन खुदा के दावेदारान दिलदारी को जो खुदा का तारुफ करवाने वालों की गली से नजरें चुरा कर अल्लाह का मोहल्ला ढूंढ रहे। नहीं नहीं, मैं इब्तिदा में, कुछ चेहरे अभी खामोश हैं और मुझे पता है आपका मिजाज क्या है। पहले आप देखते हैं कि ये लोग कब बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर पिछले देखते हैं अब ये बोल पड़े हैं तो फिर हम बोलेंगे। तो इंशाल्लाह एक ही लम्हे में सबकी जबान की इबादत हो जाए। ये जो अल्लाह से, खुदा करे मेरी कदरदानी हो, ये जो अल्लाह से डायरेक्ट होने का मालिया खौलिया है, मैं हुजूर कोई पैगाम दूंगा, मैंने पहले अर्ज किया है मैं पैगाम देने आया हूं। ये जो अल्लाह से डायरेक्ट होने का कोई मालिया खौलिया है, जिस बंदे की ख्वाहिश है कि बस मेरा डायरेक्ट ही अल्लाह से ताल्लुक हो, उसे इस ताल्लुक को जोड़ने का जोड़ने से पहले इस बात के बारे में सोचने की जरूरत है कि जिससे मैं डायरेक्ट होना चाहता हूं क्या वो भी कभी मुझसे डायरेक्ट हुआ है। मैं मायारे समाज तो जानता हूं, सिर्फ ये चेहरे देख रहा हूं कि कब मुतवज्जे होंगे। जिससे मैं डायरेक्ट होना चाहता हूं क्या वो कभी मुझसे भी डायरेक्ट हुआ है। मेरी आपकी बात क्या है, वो नबी जिसे परवरदिगार ने कलीमुल्लाह होने की सनद दी है, वो मूसा तूर पे गए हैं और खुदा से, जाहिर है खुदा से बातें हो रही हैं तो कलीमुल्लाह हैं, कलीमुल्लाह हैं तो इसका मतलब है खुदा से बातें होती हैं। अब मूसा चले गए हैं कोहे तूर पर और मूसा खुदा से बातें कर रहे हैं और मूसा देख रहे हैं कि खुदा की गुफ्तगू तो हो रही है मगर आवाज कभी दरख्त के तने से आ रही है। जो पीछे तशरीफ फरमा है वो फिक्री तौर पे शामिल हो जाएंगे तो मेरे लिए गुफ्तगू आसान हो जाएगी। कभी दरख्त के तने से आवाज आ रही है, बच्चे को बिठा लें, बैठ जाओ मेरा बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के मेरे लिए सुनो। आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कहां बैठे हुए हैं। जो मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं, मूसा गए हैं कोहे तूर पर, वो मूसा जिसे परवरदिगार कलीमुल्लाह कहता है, तो जाहिर है अल्लाह कलाम करेगा तो मूसा कलीमुल्लाह होंगे,
अब मूसा तूर की चोटी पे हैं और खुदा गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन मूसा देख रहे हैं कि आवाज कभी दरख्त के तने से आती है, कभी बादल के टुकड़े से आती है, कभी आग के शोले से आती है। मूसा परेशान है कि ये परवरदिगार की आवाज मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं आ रही। जनाबे मूसा ने सर सजदे में रखा और रख के कहा, परवरदिगार क्या तुझसे डायरेक्ट बात हो सकती है? आवाज तौहीद आई, मुझसे डायरेक्ट बात हो सकती है मगर करने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। हाय 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 हाय, जी 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 जी, बस ये एक मैसेज चला गया आने का मकसद। जी बस इतनी सी बात थी। जुमला मैंने अभी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है, बेटे चेहरे से हैरत हटा के शिया चेहरा बना के मेरे सामने बैठना है। ऐ परवरदिगार, मैं देखता हूं कि कभी दरख्त के जरिए तू बोलता है, कभी बादल के टुकड़े के जरिए, कभी आग के शोले के जरिए। परवरदिगार तुझसे डायरेक्ट बात हो भी सकती है। आवाजें तौहीद आई, हो सकती है मगर करने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। इसीलिए कायनात के रसूल ने कहा, अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। तो तुम जो बशरियत की हदें तोड़ के अल्लाह से डायरेक्ट होना चाहते हो, क्या तुमने अपने आप को अली समझ लिया है, हसन समझ लिया या हुसैन समझ लिया? क्या समझ लिया है तुमने अपने आप, अपने आप को क्या समझ लिया? जी मैं ये जुमला ही खुदा की कसम, अगर आप महफूज रखें, आपका लुत्फ दुबाला हो जाए आइंदा जिंदगी में, कि ये जो खुदा से डायरेक्ट होने का मालिया खोलिया। एक टर्म इस्तेमाल होती है ब्रिजिंग, ब्रिजिंग पढ़ लिखे अजान तशरीफ फरमाए, ये टर्म इस्तेमाल होती है, इस्तिलाह है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का मतलब ये है कि आपका कोई दोस्त है, उसका कोई दोस्त है जो बड़ा आदमी है, अब उसने आपकी मुलाकात करवा दी उन साहब से कि ये तशरीफ लाइए, ये मिनिस्टर साहब हैं, इनसे मिलिए। अब जाहिर है वहां मौजूद है तो मुलाकात तो हो गई। अब अगले दिन वो जो साहब हैं उन्होंने अपने दोस्त को बताया भी नहीं और सीधे मिनिस्टर साहब के घर पहुंच गए। हाय 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 हाय, जी हैं, इसे इसे आसान में कर ही नहीं सकते। आजकल एक बड़ा सादा सा फॉर्मूला है, इसे कहते हैं ब्रिजिंग। किसी महफिल में देखा कोई बड़ा बंदा मौजूद है और दूसरे दिन जिसने तारुफ करवाया था उसे बताया ही नहीं और खुद पहुंच गए उनके घर, और फिर उनके घर देखा कोई और आया हुआ है तो फिर उन्हें नहीं बताया तो पहुंच गए उनके घर। ताल्लुकात तो शायद बन जाएं लेकिन आप सच्चे दोस्त नहीं रहेंगे। हाय 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 हाय, आप दोस्त नहीं रहेंगे, आप चीटर कहलाएंगे। ये जो आले मोहम्मद को छोड़ के अल्लाह हू करना चाहता है, खुदा का दोस्त नहीं, खुदा उसे चीटर समझता है। कितनी सादा सादा बातें हैं जिन्हें इतना मुश्किल बना दिया गया है। हम आप नाकिस हैं, हमारी हैसियत कोई नहीं, वो तो परवरदिगार है, वो तो अला कुल्ले शैइन कदीर है। लेकिन क्या करूं कि वो जो अला कुल्ले शैइन कदीर है वो हमसे बात करने के लिए कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। ए मेरे महबूब, आप इनसे कह दीजिए कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे पीछे आए। वो खुदा खुद भी कह सकता था मगर वो खुद नहीं कह रहा, वो मुस्तफा से कह रहा, आप कह दीजिए अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे पीछे आओ। किबला कितना आसान था, खुदा कहता कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो मुस्तफा के पीछे आओ। जरा इस बारीकी को मुलाहिज़ा फरमाइएगा, कितना आसान था, खुदा कहता अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे महबूब के पीछे आओ।
नहीं, वो कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिउनी, मेरे हबीब आप इन्हें कहिए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे पीछे आओ। ये परवरदिगार तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा की अथॉरिटी समझा रहा है कि इसके पीछे मेरे हुक्म की वजह से नहीं आना, इसके मायार की वजह से आना। वैसे भी मुआफ फरमाइए, आपकी तवज्जो है भाई। वैसे भी याद रखिए कि मोहब्बत का हुक्म देना मोहब्बत की तौहीन है। दाद ना दीजिए, सिर्फ बैठ के सोच लीजिए कि मैंने क्या कहा है। मोहब्बत की का हुक्म देना तौहीन है मोहब्बत। चलिए लफ्ज बदलता हूं, मोहब्बत की दावत देना तौहीन मोहब्बत। और लफ्ज बदलता हूं, मोहब्बत तलब करना। अगर आप सारे सारे मिलके मुतवज्जे हो के गुफ्तगू सुनेंगे तो मुझे बात करने का लुत्फ आएगा। मोहब्बत तलब करना यह तौहीन मोहब्बत। हद यह है कि मोहब्बत की भी नहीं जा सकती, मोहब्बत बस बाकमाल से हो जाती है। चलिए जो नहीं समझा उसके लिए आसान करता हूं, उसके लिए आसान करता हूं, और इससे ज्यादा आसान मैं कर भी नहीं सकता। कमरा खुशबू से महक रहा हो, कमरे में ऊद की खुशबू फैली हुई है और साहब इत्र की शीशी आपके नाक के करीब करके कहें कि जरा सूंघिए, हाय 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 हाय, जिसका हाथ नीचे है वो क्या इस्तेमाल कर लेगा हाथ का। हुजूर जो मजलिस में, वैसे एक बात मुझे बताई, मैं पूछना चाहता हूं, जो मजलिस में बिल्कुल यूं करके बैठता है तो वो क्या चाहता है कि जितनी देर वो बैठा है कंधों के फरिश्ते क्या लिखें? नहीं, आपने लुत्फ नहीं लिया हुजूर। ये कंधों के फरिश्ते क्या लिखें कि मौसूम क्या कर रहे थे? कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए कि फरिश्ते लिख लें। और वैसे भी मैंने अर्ज किया है कि जो जिंदगी के 20, 30, 40 साल खामोश मजलिसें सुन सुनकर अब खामोशी में महारत तामा हासिल कर चुका है, उसे एक मजलिस में तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन मेरी कोशिश ये होती, मेरे सामने जीरक सामने तशरीफ फरमाए कि जो यहाँ आए वो यहाँ से जबान की इबादत करके उठे। मोहब्बत का हुक्म देना तौहीन मोहब्बत। अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तजा की कसम, जो बंदा इल्म दोस्त है ना, पढ़ने वाले को कहना ही नहीं पड़ता। तवज्जो फरमाइए, ये जो तवज्जो फरमाइए है ना, ये भी खिताब की तौहीन है। हाय 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 हाय, जी समझ लीजिए, लुत्फ आएगा आपको। ये जो तवज्जो फरमाइए है ना, ये खिताब की तौहीन है। लेकिन क्या किया जाए कि कहना पड़ता है, इसलिए कि अगर देखने वाला सुनने वाला इल्म दोस्त होता तो उसकी तवज्जो मबजूल करवाने की जरूरत क्या थी। जौहरी को मुतवज्जे थोड़ी करना पड़ता है कि जरा देखिए ये हीरा है, और जिसे मुतवज्जे किया जा रहा हो इसका मतलब है कि उस बेचारे को पता ही नहीं कि ये हीरा है। इससे बेहतर मिसाल कहां से लाऊं कि पूरे कमरे में खुशबू महक रही हो और इत्र की शीशी कोई आपके नाक के करीब करके कहे जरा सूंघिए। इसका मतलब है कि जो बंदा आपसे कह रहा है ना कि जरा सूंघिए, वो असल में आपको बेजौक समझता है।
इसलिए कि अगर आप जौक वाले होते तो खुद उछल पड़ते कि ये खुशबू कहां से आ रही है। ये जो परवरदिगार इनकी मोहब्बत का हुक्म दे रहा है, असल में परवरदिगार तुम्हें बेजौक समझ रहा है। हाय हाय हाय, वरना कमाल से मोहब्बत की दावत देना ही तौहीन है। चलिए, जो खामोश है, जो नहीं पहुंच सके, बच्चों से प्यार करते हैं आप? अपने बच्चों से तो करते हैं, नहीं करते? करते हैं ना, करते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि अपने बच्चों से प्यार किया कीजिए, देखिए ऐसे ना कीजिए, या तो बात समझ में ना आ रही हो, और अगर समझ में आ रही हो तो फिर ऐसे पढ़ने वालों के इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले गुजारिश की है कि ना आप मेरे रोजे का इम्तिहान लेना, मैं आपके रोजे का इम्तिहान, आपने तो यहीं पे खोल लेना है और मैंने रास्ते में खोलना। आप तो अपने शहर में बैठे हैं ना, तो मैं तो वापस जाना है और रास्ते में कहीं रुक के कोई एक आध फजूल खाएंगे, लेकिन जिक्र आले मोहम्मद पे सारी एनर्जी कुर्बान। तो आप तो इम्तिहान ना लीजिए। अगर मैं कहूं कि अपने बच्चों से प्यार कीजिए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको यह पता ही नहीं कि बच्चों की मोहब्बत क्या होती है। और अगर आप बच्चों की अहमियत को समझते होते तो आपको कहने की जरूरत क्या थी कि बच्चों से मोहब्बत कीजिए? बच्चों से तो हैवान भी मोहब्बत करते हैं, तो जो इंसान हो के नहीं करता, इसका मतलब है अगर उसे कहा जाए बच्चों से प्यार करो तो इसका मतलब है वो बेजौक है। मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं कि दावत दी जाए, बल्कि दावत दी जाए तो तौहीन है। तो मोहब्बत के लिए क्या होता है? मोहब्बत के लिए हुक्म दे दीजिए कि आप बड़े हैं, आप छोटों को हुक्म दीजिए कि चलो अपने भाई से मोहब्बत करो। चलिए, मैं तकरीर कर रहा हूं, आप उठिए और अपने बच्चों से चलो मौलाना साहब की तकरीर को खुशी खुशी सुनो। वो कहेंगे अब्बा जान मौलाना साहब पढ़ते क्या हैं जो खुशी खुशी सुनो। मैं अपने बारे में बात कर लेता हूं ना, कोई नाराज ना हो। ओ बाबा जान, मौलाना साहब बेचारे को कुछ आता ही नहीं तो सुने क्या? तो आपकी दावत देने से मोहब्बत पैदा तो नहीं होगी? मोहब्बत तो होती है मायार से, और होती उसको है जो मायार को समझता है। और जिसे कमाल से मोहब्बत की दावत दी जा रही हो, इसका मतलब है कि वो बंदा बेजौक है। अगर तुम जौक वाले होते तो खुदा को कहना ना पड़ता कि अली से मोहब्बत करो। अली से मोहब्बत के लिए सिर्फ इंसान होना ही काफी था। कितना बड़ा पैगाम है जो मैंने दे दिया है। इन बच्चों को बिठा दीजिए। ये जो परवरदिगार कह रहा है कि मोहब्बत करो अली से, किससे मोहब्बत करो? अली से। इसका मतलब है कि वो कायनात का खालिक तुम्हें बता रहा है कि तुम बड़े बेजौक। हाय हाय हाय, मेरा जी चाहता मैं यही जुमला दोहराता रहूं। इसका मतलब है वो परवरदिगार तुम्हें बेजौक समझता है। बहुत से थे जिन्होंने मुस्तफा को माना है चांद को दो टुकड़े होता हुआ देखकर। आए, 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 आए। कितने थे जिन्होंने मुस्तफा को माना है चांद को दो टुकड़े होता हुआ देखकर। किसी ने माना है रसूल ने दरख्त को आवाज दी है और वो जमीन चीरता हुआ आ गया, उन्होंने कहा जी अब तो मान लेते हैं, मैं उस बंदे के हाथ पे बैत कर लूंगा जो मुझे दिखा दे कि सलमान ने कोई मौजजा मांगा हो, अबू जर ने मौजजा मांगा हो, मिकदाद ने। हर कोई मौजजे से मांग रहा है। ये वो है जो मोहम्मद के मायार पे मोहम्मद को मान रहे हैं। मायार क्या?
मायार का फर्क बताऊं हुजूर, मायार का फर्क बताऊं, यहां से मैसेज लेके उठिएगा मेरे भाई, मायार का फर्क बताऊं। किसी महफिल में कॉफी तो जानते हैं ना आप, कॉफी जी हॉट बेवरेजेस में काफी सुना है आपने, कॉफी नहीं सुना, सुना है ना, सब जानते हैं, मुझे पता है आपको पता है, वैसे आप जरा चुप चुप रहते हैं। जिस बंदे ने जिंदगी में कभी कॉफी ना पी हो और किसी महफिल में कोई ऑफर कर दे के जनाब ये लीजिए कॉफी पीजिए, तो वो मजबूरन एक सिप लेता है और फिर देने वाले की तरफ देख के कहता है कि भाई इतनी कड़वी पीते कैसे। पैगाम वो देने लगा हूं जहां तक मुझे मोमिनीन नजर आ रहे हैं, इस्तकबाल में फिजाए मलकूती में उड़ भी जाएं तो हक समात अदा ना हो, मेरी सारी तकरीर भूल जाना, ये पैगाम लेके चले जाना। वो पहली मरतबा पीता है, एक सिप लेता है और देने वाले की तरफ देख के कहता है भाई इतनी कड़वी कैसे पीते हो। फिर इत्तेफाक से किसी और महफिल में किसी ने कह दिया ये लीजिए भाई कॉफी पीजिए, फिर एक सिप भरना पड़ गया। फिर किसी और महफिल में किसी ने कहा, फिर एक सिप भरना पड़ गया। तीन चार महफिलों के बाद फिर उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर वो महफिलों में पूछता फिरता है कॉफी मिल जाएगी। मुझे इज्जत अली की कसम, ये जो इन मजलिसों में आने से लोगों को रोका जा रहा है इसकी वजह ये है, लोग जानते हैं ये बंदा तीन चार मरतबा बैठ गया तो इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर ये गलियों में इश्तेहार ढूंढता नजर आए। ये मुसीबत है, यहां से बेटा अली हक कहते हैं, मेरे बच्चे अली हक कहते हैं, मैं देख रहा हूं आपको। टेस्ट डेवलप कीजिए, टेस्ट। जो बंदा दो चार मरतबा कॉफी पी ले उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है, और जो कॉफी की फैक्ट्री में काम करता हो ओ भाई, गैर दो चार मरतबा यहां आके बैठे उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। उस बंदे को क्या कहूं जो यहीं पे पल बढ़ के जवान हुआ है। अली की बातों का टेस्ट डेवलप कीजिए, जब आप टेस्ट डेवलप कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिक्र अली का लुत्फ क्या है। जिक्र अली का लुत्फ लेने के लिए भी टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, और अगर वो टेस्ट डेवलप ना किया जाए तो फिर पढ़ने वालों को लगता है कि ये बंदा यकीनन मुझे घूर रहा है, और अगर टेस्ट डेवलप हो जाए तो जैसे जैसे कोई अली की बात करता है चेहरा खिलने लगता है। मुझे इज्जत अमीरुल मोमिनीन की कसम, बहुत बहुत दिन पहले एक रिवायत मैं किसी किताब में पढ़ रहा था, मैंने नोटबुक में नोट कर ली, रात अचानक मुझे वो याद आई। आपके लिए भी वो तोहफा है शऊर का, आपको लुत्फ आ जाएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना कि टेस्ट डेवलप कीजिए, ये बात आपके अंदर उतर जाए और पहले इस बात का टेस्ट डेवलप हो जाए। अली का जिक्र क्या है, मोहम्मद मुस्तफा हुजरे से बरामद हुए, बाहर सहाबा बैठे थे रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत करके, एक सहाबी उठा और उसने कहा या रसूलल्लाह आपका चेहरा तो वैसे ही बड़ा पुरनूर है, लेकिन या रसूलल्लाह आज हम अलग ही नूर आपके चेहरे पे देख रहे हैं। कायनात के रसूल ने मुस्कुरा के कहा और कुछ नहीं, अंदर मेरा खुदा मुझसे अली की बातें कर रहा था। बोलो जिसकी जबान देकर की अमानत है, हाय 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 हाय। इन
कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, ऐ मेरे महबूब आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे पीछे आओ। अभी भी मैं 2-4% चेहरे ऐसे देख रहा हूं जो जबान की इबादत नहीं कर सके, उन्हें जबान की इबादत का मौका फराहम कर रहा हूं। ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे पीछे आओ। क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, पहले तुम अल्लाह से मोहब्बत करते थे, मोहम्मद के पीछे आओगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। पहले मोहब्बत का रुख था इधर से उधर, मोहम्मद के पीछे आओगे तो मोहब्बत का रुख हो जाएगा उधर से इधर। पहले तुम मोहब थे, वो महबूब था। मुस्तफा के पीछे आओगे वो मोहब हो जाएगा, तुम महबूब हो जाओगे। शर्त ये है कि मोहम्मद के पीछे आओ। मोहम्मद मुस्तफा के पीछे आओ तो महबूब खुदा बन जाओ। कहाँ है वो बंदा जो ये समझता था कि शान रिसालत यही है कि मैं कह दूं कि मेरा मुस्तफा महबूब खुदा है। अली के जिक्र के सदके में सुन के जाइए कि अली के मौला की शान क्या है। मेरा मुस्तफा महबूब खुदा नहीं, जो मोहम्मद के पीछे चले वो महबूब खुदा है। तो फिर सवाल कीजिए, मुस्तफा क्या है? मुस्तफा महबूब खुदा नहीं, मोहम्मद मायारे मोहब्बत खुदा है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मेरे पीछे आए, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगेगा। ये हो नहीं सकता कि कोई इबादत कर रहा हो अल्लाह की और उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ना हो और उसकी इबादत भी कबूल हो जाए। क्या ख्याल है हुजूर? एक बंदा अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है लेकिन अल्लाह से मोहब्बत नहीं, नमाज कबूल हो जाएगी? नहीं होगी ना। रोजा रखा है अल्लाह के लिए और अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं, रोजा इबादत बनेगा? नहीं। फिर अब तवज्जो कीजिएगा, इसका मतलब है इबादत टिकी हुई है मोहब्बत पर। मैं क्यों कह रहा हूं इबादत टिकी हुई है मोहब्बत पर? आप मोहब्बत की ताकत को समझिए। मोहब्बत इताअत से भी अफजल है। मैं मैसेज दूंगा हुजूर, मोहब्बत इताअत से भी अफजल है। अब मुझसे पूछिए क्यों? इसलिए कि इताअत में मुनाफिकत हो सकती है। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में? हाय हाय हाय, इताअत में मुनाफिकत हो सकती है, मोहब्बत में मुनाफिकत नहीं होती। इताअत में रियाकारी हो सकती है, मोहब्बत में रियाकारी नहीं होती। इसका मतलब है मोहब्बत इताअत से अफजल है। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से? मोहब्बत इताअत से अफजल है, इसीलिए परवरदिगार ने अजरे रिसालत में इताअत अहले बैत नहीं मोहब्बत अहले बैत मांगी है। खुदा जानता है कि ये झूठ झूठ भी पीछे पीछे चलते हैं, इनसे इताअत मांगेंगे तो कहेंगे जो अली कर रहे थे हम भी वही कर रहे थे, लेकिन दिल का खाना खोल के कौन देखेगा कि ऊपर ऊपर से कर रहे थे या अंदर अंदर से कर रहे थे? तो खुदा ने इताअत नहीं मांगी, अजरे रिसालत में इनकी मोहब्बत मांगी। मोहब्बत इताअत से अफजल है, और जब तक मोहब्बत ना हो इबादत नहीं हो सकती। अगर ये मेरी बात एस्टैब्लिश हो गई है तो लीजिए पैगाम वसूल कीजिए, मोहब्बत ना हो तो इबादत नहीं। और खुदा कह रहे मेरे हबीब ने कहो अगर खुदा से मोहब्बत है तो फिर मेरे पीछे आओ। इसका मतलब है कि इबादत उसकी होगी जो मोहम्मद के पीछे खड़ा हो, उसकी नहीं होगी जो मोहम्मद के आगे खड़ा हो।
हाय 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 हाय, इसलिए कि सबूत मोहब्बत खुदा है ही ये कि बंदा मोहम्मद के पीछे खड़ा हो। अगर मुस्तफा के पीछे खड़ा है तो फिर सबूत है कि खुदा से मोहब्बत करता, मोहब्बत करता है तो फिर इबादत इबादत है। इसका मतलब है कि नमाज उसकी होगी जो मुस्तफा के पीछे खड़ा हो। हाय 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 हाय, हाँ हर बात हुजूर, हर बात ऊंची आवाज में नहीं होती, कुछ बातें भी ऊंची होती हैं। इतनी देर शियों को तो लगती नहीं जितनी आपने लगा दी है। नमाज उसकी होगी जो मोहम्मद मुस्तफा के पीछे खड़ा हो, उसकी नहीं होगी जो मुस्तफा के आगे खड़ा हो। अरे यहां तो मोहम्मद मुस्तफा हैं। अल्लामा हिली के दौर में एक बंदे ने आके हाकिम वक्त के दरबार में कहा था कि जी सुना है कि फलां बंदे ने अली को नमाज पढ़ाई थी। तो किसी शिया आलिम को जरा बुलाइए, मैं उससे पूछूं तारीख में लिखा हुआ है कि फलां फलां बंदे ने अली को नमाज पढ़ाई थी। तो शिया आलिम जवाब दे। अल्लामा हिली को दरबार में बुला लिया गया, उन्होंने कहा जी जवाब दीजिए। उनका किस बात का जवाब? उनका जी ये फरमाते हैं कि तारीख में लिखा हुआ है कि फलां साहब ने अली को नमाज पढ़ाई थी। तो उन्होंने कहा पढ़ाई होगी? उन्होंने कहा अल्लामा साहब ये कह रहे हैं, आप शिया आलिम हैं और ये कह रहे हैं कि फलां बंदे ने अली को नमाज पढ़ाई थी। तो उन्होंने कहा मैं भी कह रहा हूं कि पढ़ाई होगी। उनका जी आपको कोई फिक्र लाहक नहीं हुई कि कोई अली के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा था? उन्होंने फरमाया मैंने क्यों फिक्र करनी है, फिक्र तो वो करे जो अली के आगे खड़ा हो गया। उसने अपनी भी बर्बाद कर ली है, दूसरों की भी बर्बाद कर। क्या तुम नहीं जानते वहां नमाज की हद खत्म हो जाती है जहां अली खड़ा हो जाए? बोलो जिसकी जबान जिक्र की अमानत है। आए हाय 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 मेरे भाई ने नारा लगवाया है तो मैं एक जुमला हदिया करना चाहता हूं। देखिए हमारे पास टाइम भी मुख्तसर है, इसके बाद ज्यारत भी बरामद होनी है, फिर जुलूस भी निकलना है, तो सारे काम करने हैं ना, तो मैसेज भी पहुंच जाए। जी माशाल्लाह। अब मेरे बुजुर्ग ने बात की है तो एक तबर्रुक वसूल कर लीजिए जी। फुलाने अली को नमाज पढ़ाई थी और फुलाने हसन को नमाज पढ़ाई थी और फुलाने हुसैन को नमाज पढ़ाई थी। वो आगे खड़ा था और अली के बेटे पीछे खड़े थे। कुछ अकल के नाखून लो, ये कहां का इंसाफ है कि खुद आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा हो और दुरूद पिछले नमाजी पे भेज रहा। आए 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 आए, जिए जिए सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। ये कहां का इंसाफ है हुजूर, ये कहां का इंसाफ? चलिए आप यूं नहीं मानेंगे हुजूर, जिंदाबाद, आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। आप यूं नहीं मानेंगे तो यूं मनवा लेता हूं, मैं करता हूं आपको सलाम। अब अगर आपने तशरी के बगैर समझाना तो रोजे में मैं आपके हक में दुआ करूंगा कि मालिक इनके शऊर में और मारिफत में और इजाफा फरमा कि इन्होंने मुझे तशरी की जहमत नहीं दी और खुद बात को समझा है। मुझे आप बताइए कि हुजूर मैं आपको सलाम करूं और करूं यूं, भाई अस्सलाम वालेकुम। जो समझे हैं मेरी तरफ से सर्टिफिकेट ले जाएं उमदगी समात का। आप
कहेंगे मौलाना साहब आप मौलाना साहब हैं तो मैं क्या करूं, कोई आदाब भी होते हैं, कोई तरीका भी होता है। ऐसे भी सलाम होता है कि सलाम मुझे किया जाए और मुंह दूसरी तरफ किया जाए। तुम जो आगे खड़े होके अली और अली के बच्चों को नमाज पढ़ा रहे हो, पता चलेगा जब दुरूद में सलाम कहना पड़ेगा। जब सलाम कहोगे तो मुंह मुड़ जाएगा उनकी तरफ, नमाज तुम्हारा मुंह न मोड़ दे तो फिर अली क्या। हाय 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 हाय, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरे पीछे आओ। योहबेब को मुल्ला मेरे पीछे आओगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे। इसका मतलब है महबूब परवरदिगार वो है जो मुस्तफा के पीछे चल रहा हो। फिजाए मलकूती में आप उड़ भी जाएं तो हक्के समात अदा ना हो, ये कुरान है ना हुजूर, ये कुरान ही का फैसला है कि खुदा का महबूब बन जाता है वो बंदा जो मुस्तफा के पीछे चल रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि महबूब खुदा बनने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि मुस्तफा के पीछे चलो। एक जुमला कहूं, तुम तो अल्लाह से डायरेक्ट होना चाहते हो, कुरान पढ़ो तो पता चले खुदा तुम्हें मुस्तफा से डायरेक्ट होने की इजाजत नहीं दे रहा। पढ़ू आयत, पढ़ू आयत, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ। خدا کہتا جو میرے محمد پہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد میرے محمد کی عزت بھی کرے، وَنَصَرُوهُ اور پھر کسی میدان میں میرے محمد کو اکیلا بھی نہ چھوڑے، یہ سب کر بھی لے تو جنت نہیں دوں گا، پروردگار جنت کب ملے گی؟ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، جنت تب دوں گا جب اس نور کے پیچھے چلو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ خدا مجھے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہم مصطفیٰ کے پیچھے چلیں۔ خدا تمہیں مصطفیٰ سے ڈائریکٹ ہونے کی اجازت نہیں دے رہا، تم اللہ سے رشتہ داریاں بنانا چاہتے، تمہاری میری حیثیت کیا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے پیچھے چلیں؟ بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تاکہ آپ کو بات کی بلندی کا لطف آ سکے۔ میری آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے پیچھے چلیں؟ محمد مصطفیٰ کے پیچھے وہ چلے جو وہاں تک جا سکتا ہے جہاں تک محمد جا رہا ہے۔ جب جبریل جیسا سدرہ پہ کانپ رہا ہے، ایک پرانا جملہ ہے مجھے یاد آ گیا، اگر میں نے یہاں پڑھا ہے کسی کو یاد ہے، اول تو ماشاءاللہ ہماری قوم سن بھی لے تو اسے یاد ہی نہیں ہوتی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے پڑھنے والوں کے لیے، بڑی اچھی بات ہے کہ آج پڑھا کل آپ بھول گئے، کل پھر وہی پڑھ دی، نئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی۔ تو اگر آپ بھی اتنے کریم سامعین نہیں ہیں اور آپ کو یاد ہے جو میں نے پڑھا تھا، مجھے ویسے یاد نہیں کہ میں نے یہ بات پڑھی، تو اس کا لطف لے لیجئے۔ رسول محفل میں بیٹھے تھے، اب ظاہر ہے ہزاروں باتیں کرتے یاد تو نہیں رہتی لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات ریپیٹ نہ ہو۔ رسول محفل میں بیٹھے تھے تو رسول اللہ نے کہا کہ کوئی بندہ جائے مسواک لے کے آئے، مسواک آ گئی رسول خدا نے مسواک، تو دوسرے دن رسول نے دیکھا کہ ہر کسی کی جیب میں مسواک تھی۔ محبت ہے، محبت ہے نا رسول سے، رسول اللہ سے پیار ہے، رسول اللہ سے عشق ہے جی، ہر کسی کی جیب میں مسواک تھی۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں، پرانی بات سنا رہا ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا یہ کیا، جو چلا آ رہا ہے اس کی جیب میں مسواک؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ کوئی عمل کریں اور سننا سمجھ کے ہم نہ کریں؟ آپ جملہ سمجھنا خدا کے لیے، یا رسول اللہ ہو کیسے سکتا ہے، اب محفل ہے کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، یا رسول اللہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ کچھ کریں اور ہم نہ کریں؟ آپ نے کہا نا میں مسواک کروں گا،
तो हमने तोड़ के जेबों में रख ली है, आप करेंगे तो हम भी मिसवाक करेंगे। मुस्कुरा के रसूल ने अली की तरफ देखा और देखे कहा, या अली कल मैं मेराज पे जाऊंगा। फिर मस्जिद खाली हो गई, किसी ने नहीं कहा मैं भी जाऊंगा। फिर अली ही रह गया। फिर अबू तालिब के बेटे मुस्कुरा के कहा, या रसूल अल्लाह आप जाएंगे तो मैं भी जाऊं। आए हाय 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 हाय, इसका मतलब है ये दावा सिर्फ अली कर सकते हैं कि जो मोहम्मद करेंगे मैं वो करूंगा। किसी बंदे के पास का रोग ही नहीं वो कह सके जो मुस्तफा करेंगे मैं वो करूंगा। और वैसे भी आप वो कर सकते हैं जो मुस्तफा ने किया, ये जाने बगैर के मुस्तफा ने ये क्यों किया। आप सफेद लिबास पहनते हैं इसलिए कि मुस्तफा ने पहना, लेकिन इसको कब सोचना है कि इतने रंग छोड़ के रसूल ने सफेद क्यों पहना। क्या ख्याल, क्यों का जवाब कौन ढूंढे? रसूलुल्लाह के जो पीछे चले वो महबूब किबरिया बन जाता है। ये हदीस नहीं कि कोई इल्जाम जोफ लगा के ठुकरा दे, ये तारीख का वाकया नहीं, कोई सनद का इनकार कर दे, ये अल्लाह की ला रैब किताब है। मेरे हबीब इन्हें कह दो कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो मेरे पीछे आए। योहबेब को मुल्ला, अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगेगा। इसका मतलब है महबूब खुदा बनने का सिंपल फॉर्मूला है कि मुस्तफा के पीछे चलो, तो फिर जो मोहम्मद के जितना पीछे चला होगा उतना बड़ा महबूब खुदा होगा। जाओ कोई और मिले तो मैं मजहब बदल लूं। अली नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, कुन तो अत्तबेहू इत्तेबा अल फसीले असर उम्मे, मैं बचपन में भी मोहम्मद के पीछे यूं चलता था जैसे ऊंटनी के पीछे उसका बच्चा चलता है। मैं यूं चलता था जैसे ऊंटनी के पीछे उसका बच्चा चलता है। इन्नी लारा नूर नबुवते वाशुमरी हर रिसाला, मैं बचपन के उस आलम में नबुवत का नूर देखता था, रिसालत की खुशबू सूंघता था, पूरा मक्का नबी का नूर देखता था, अकेला अली था जो नबुवत का नूर देखता था, पूरा मक्का रसूल की खुशबू सूंघता था, अकेला अली था जो रिसालत की खुशबू सूंघता था। ये अली का बज़ाहिर बचपन है। अगर कोई परवरदिगार से मोहब्बत का दावेदार है तो उसके सबूत के लिए उसे मुस्तफा के पीछे चलना पड़ेगा। मुस्तफा के पीछे चलने के लिए भी आपको फिर वो नूर ढूंढना पड़ेगा जो मुस्तफा के साथ नाजिल हुआ। जब ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे चलता है तो देख लीजिए वो बच्चा सामने देखता ही नहीं, उसकी नजर होती है ऊंटनी के कदमों पर, उसे मां के कदमों पर इत्मीनान है। वो ना सामने देखता है ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है। ये कमाल है, अली ने मिसाल दी है कि मैं यूं चलता था जैसे ऊंटनी के पीछे उसका बच्चा चलता है। अली फरमाते मैं रसूल के पीछे यूं चलता था जैसे ऊंटनी के पीछे उसका बच्चा चलता है। खुदा की कसम नक्शे पाए मुस्तफा के कमाल के लिए यही एक बात काफी है कि मोहम्मद के पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए। ये है शान मोहम्मद मुस्तफा, मेरे मुस्तफा के पीछे वो चलता है जिसके पीछे हक न चले तो बातिल हो जाए। अगला जुमला कहूं, हक न चले तो बातिल हो जाए, बातिल चल पड़े तो हक हो जाए। मुस्तफा के पीछे चले वो महबूब खुदा। कौन है ऐसा जो मुसलमान हो और ये ना कहता हो कि मुझे खुदा से मोहब्बत है।
मैं आखिरी मौका फराहम कर रहा हूँ, जो जबान की इबादत को अभी तक रोके हुए है वो इसी जुमले पे कर ले तो बड़ी उम्दा बात। कौन है ऐसा मुसलमान जो दावेदार नहीं कि मुझे खुदा से मोहब्बत? मोहब्बत है? बोलिए, जिस जिसको मोहब्बत है जरा हाथ खड़ा कीजिए ताकि सबकी गवाही हो जाए। सबको खुदा से मोहब्बत है? खुदा से मोहब्बत होनी भी चाहिए, इसलिए कि अली का खुदा है। और आदाब मोहब्बत में ये एक अदब है कि महबूबुल महबूब महबूबुन, महबूब का महबूब भी महबूब होता है। जिसका अली महबूब है उसका अल्लाह महबूब होना चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत है? अल्लाह से मोहब्बत है ना हुजूर? जो भाई अल्लाह से मोहब्बत है, है? मुझे वो मुहिब दिखाइए चाहे कितना ही मुफलिस गरीब क्यों ना हो, मुझे वो मुहिब दिखाइए जो महबूब को तोहफा नहीं देना चाहता। समाते हैं। भाई जिसको जिससे मोहब्बत है, अपने उस्ताद से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, दोस्त से मोहब्बत है, हमसाए से मोहब्बत है, किसी आलिम दीन से मोहब्बत है, अपने बेटे से मोहब्बत है, जिससे भी मोहब्बत हो, कोई मुहिब आप मुझे दिखाइए जो अपने महबूब को तोहफा नहीं देना चाहता। जिसे औलाद से मोहब्बत है, वो बाप दूर गया है तो वो तोहफा लेके आता, बेटा यूरोप से आया है, बाप से मोहब्बत है तो वो तोहफा लेके आता, दोस्त से मोहब्बत करता है, उसे मिलता है तो उसे तोहफा देता। खुदा जाने में किनाए में क्या क्या कह के गुजर जाऊंगा। मुहिब कोई है चाहे कितना गरीब क्यों ना हो जो महबूब को तोहफा ना देना चाहे? बोलिए कोई है? नहीं। लेकिन यहां मुश्किल क्या है? हम उसे तोहफा देना चाहते हैं, और जब मुहिब महबूब को तोहफा देता है तो उस तोहफे की कीमत सिर्फ महबूब के चेहरे पे फैली हुई मुस्कुराहट होती है। कीमती बात सुना कीजिए, जिस दिन आप कीमती बात सुनने लगे पढ़ने वाले मेहनत करके मिंबर पे आएंगे। मुहिब के तोहफे की कीमत महबूब के चेहरे की मुस्कुराहट। क्यों बेटा, मैंने गलत कहा? यानी महबूब मुस्कुरा दे तो इसका मतलब है तोहफा कबूल हो गया। अब वो मुहिब क्या करे कि जिसका महबूब नजर ही ना आता हो? जमाने के मुहिब उस महबूब को तोहफे देना चाहते हैं, मगर वो महबूब ऐसा है जो जिस्म नहीं रखता। तो कुलिया ले जाइए, वो जिस्म नहीं रखता, वो बेजिस्म जरूर है, बेजान नहीं है। जो इस बात को नहीं समझा, खुदा की कसम ये बात उसके लिए थी नहीं। मेरा अल्लाह बेजिस्म जरूर है, बेजान नहीं है। जाने जानाने परवरदिगार का नाम अली है, उसने अली को अपनी जाने जाना बना लिया है कि जाओ तोहफा मुझे दो, चेहरा इसका देखो, ये राजी हो तो समझो तोहफा कबूल हो गया। जाने जाना ने परवरदिगार का नाम अली है, तोहफा खुदा को दो। जो परेशान हो गए कि ये मौलाना साहब अली को अल्लाह की जान कह रहे। मैंने मिंबर पे कभी हांका ही नहीं, और मिंबर पे मैंने कभी हवाई बात की ही नहीं। यहीं नम मनवाऊं तो फिर अली के जिक्र का लुत्फ क्या है? जवाब ना दूं तो अगली बात नहीं करूंगा, यहीं से मिंबर छोड़ दूंगा। अली अल्लाह की जान है, नहीं मानेंगे? मोहम्मद मुस्तफा ने नहीं कहा है अली तो नफ्सुल्ला है? नफ्सुल्ला का मतलब होता है अल्लाह की जान। हाय 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 हाय, नफ्सुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की जान। जाने जानाने परवरदिगार का नाम अली है, तोहफे खुदा को दो, चेहरा अली का देखो।
अली मुस्कुरा दे तो समझो कि वहां तोहफा कबूल हो गया। इसलिए कि दस्तूरे परवरदिगार ये है कि वो सिर्फ इन्हें दिल से चाहता है, फिर इनके सिवा जिसे चाहता है इनके दिल से चाहता है। हाय 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 हाय, वो परवरदिगार इन्हें दिल से चाहता है, फिर इनके अलावा जिसे चाहता है इनके दिल से चाहता है। कायनात में वो हसीन सिर्फ यही हैं जिन्हें वो खुद देखता है, बाकी फिर जिसे देखता है इनकी आंखों से देखता। कायनात में वो अजीम घराना यही है जिनकी वो खुद सुनता है, फिर इनके अलावा जिसकी सुनता है इनके कानों से सुनता। इससे बड़ी बातें कहां से लाऊं मेरे भाई। सिर्फ यही हैं जिनसे वो खुद ले लेता है, दाबा यही हैं जिनसे खुद ले लेता है, बाकी जिससे लेता है फिर इनके हाथों से लेता। और इज्जत अली की कसम, सिर्फ यही हैं जिन्हें वो खुद देता है, फिर इनके सिवा जिसे देता है इनके हाथों से देता है। मगर उसकी शान परवरदिगार ये है कि वो इनका खुदा है। ये जुमला पूरी दुनिया में जहां जहां मैं गया हूं, ये जुमला मैंने हर मिंबर पे जरूर कहा है कि उसकी शान ये नहीं कि वो मेरा खुदा है, उसकी शान ये है कि वो अलियों का खुदा है। खबरदार, अपनी पेशानी की LCD पर उसकी किबरियाई की एड मत चलाइए। हाँ, जो बंदा इतना लेट हो अपनी पेशानी की LCD पर उसकी किबरियाई की एड मत चलाइए। जबीने अली के कैनवस पर मंजरे मेहराबे अली बताएगा अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है। उसी के सजदे में था जब अली की जबान से निकला है फुज़तो बिरब्बिल काबा। जालिम ने तलवार मार दी और अली की जबान पे एक जुमला जारी हुआ, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब है।